नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर आज का जो एपिसोड है वो बिहार की राजनीति पे एकाग्र होगा। दो बातें आ रही हैं, दो खबरें सामने आ रही हैं। एक, प्रशांत किशोर यानी पीके ने एक बड़ा दाव चला है जिससे बीजेपी के खेमे में खुशी है। आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या दाव चला है जिससे बीजेपी का खेमा खुश है और जिससे नीतीश और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस की राजनीति ध्वस्त होती नजर आ रही है? या सियासी खात्मे की तैयारी प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के साथ मिलकर पर्दे के पीछे कर रहे हैं, इसकी विवेचना करेंगे। और दूसरा, क्या नीतीश चुनाव फिर एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी साल अक्टूबर नवंबर में नीतीश विधानसभा चुनाव कराएंगे? रुपोली विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसका नतीजा 13 जुलाई को आएगा, और वो अगर नीतीश के पक्ष में गया तो क्या कहानी बदलेगी, और खिलाफ गया तो क्या कहानी बदलेगी? तो कुल मिलाकर इन दो खबरों की विवेचना करने की कोशिश करेंगे। पहले प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने दो बातें कही हैं। एक तो 2 अक्टूबर से उनकी पार्टी की लॉन्चिंग हो जाएगी, जन स्वराज पार्टी की लॉन्चिंग हो जाएगी महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 75 सीटें मुसलमानों के लिए दी जाएंगी, 75 सीटों पर मुसलमानों को खड़ा किया जाएगा। 243 की विधानसभा है, 75 सीटें यानी करीब 33% सीटें, यानी हर तीसरी सीट करीब करीब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए होगी। चौथी बात, मीडिया की रिपोर्ट में आ रहा है कि वो EBC महादलितों, महापिछड़ों की बात भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि महापिछड़ों को भी बड़ी संख्या में चुनाव में उतारा जाएगा। उनकी संख्या भी सूत्रों के अनुसार करीब 75 हो सकती है। तो महापिछड़े और दलित, मुसलमान, ये सब मिलकर 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये एक नया कॉम्बिनेशन बीजेपी खेमे की में तो खुशी की लहर ला रहा है, क्योंकि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता 75 खड़े करें या 80 खड़े करें, वो तो एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं करती, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लालू प्रसाद के गठबंधन को, फर्क पड़ता है नीतीश कुमार को, फर्क पड़ता है चिराग पासवान को। तो कुल मिलाकर क्या बीजेपी की बी टीम माने जाने वाले प्रशांत किशोर अब खुलकर सामने आ गए हैं? आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार ने उनको कुछ साल पहले पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, तब नीतीश ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि अमित शाह की तरफ से एक दो बार फोन आया कि प्रशांत किशोर को रख लो, तो उनके कहने पर उनको जगह दी गई थी। बाद में वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, मतभेद उभर कर सामने आए थे, वो कहानी अलग है। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साहब बिहार के अंदर जो यादव मतदाता है 14% है, लेकिन 60-65 सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, तो मुसलमान तो 17% है, तो ऐसे में उनके लिए 75 सीटें आरक्षित की जाए तो इसमें क्या गम है, या क्या इसमें कुछ गलत हो गया? दूसरा, वो 20% दलित हैं, तो दलित 20%, 17% मुसलमान, और EBC यानी महापिछड़ों की संख्या करीब करीब 36% है, उसका कुछ हिस्सेदारी। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की बात करें और जाति और धर्म और इनके आंकड़ों की और प्रतिशत की बात करें, ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार 2 साल से कहते रहे हैं कि लोग धर्म से उठकर वोट देंगे, जाति से उठकर वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बच्चे को ध्यान में रखकर वोट देंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, नहीं तो जिनको वो वोट देंगे वो मजे लेते रहेंगे, वो राजनीति में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके हिस्से कुछ आएगा नहीं। लेकिन अब फिर वही धर्म की राजनीति, अब वही जाति की राजनीति, तो ये एक बड़ा बदलाव जो आया है वो हैरान कर देने वाला है। मोटे तौर पर नीतीश के साथ लवकुश का वोट बैंक रहता है, लालू प्रसाद का गठबंधन अपना OBC वोट बैंक पर यकीन करता है, फिर उसमें माई बाप वाली बात की जा रही है कि MY फैक्टर मुसलमान और यादव फैक्टर यानी 14%, मुसलमान फैक्टर यानी 17%, कुल मिलाकर 31%, और उसके बाद बाप BAP बहुजन समाज हो गया, फिर आदिवासी हो गए, फिर पुअर पीपल हो गए, ए से महिलाएं भी हो गई, आधी आबादी भी हो गई, तो एक बड़ा कैनवास बनाने की तैयारी है। तो इसके अंदर क्या मुसलमानों को 75 सीटें दे दी जाएंगी तो पूरा ताना बाना बिखर जाएगा? आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि OBC भी वहां पर चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं विधानसभा चुनाव में, खास तौर से लोकसभा चुनाव में, तो इस बार उनकी बिल्कुल भी दाल नहीं गली। तो बीजेपी का खेमा खुश है, बीजेपी को तो सवर्ण वोटों से मतलब है, सवर्ण वोट उसको मिल जाता है, इससे ऊपर
और कुछ ओबीसी का वोट मिल जाता है, कुछ यादव बड़े कैंडिडेट उन्होंने अपनी पार्टी में लिए हैं जो अपने दम पर चुनाव निकाल ले जाते हैं, बाकी फिर बीजेपी कहीं जीतनराम मांझी के भरोसे रहती है, कहीं चिराग पासवान के भरोसे रहती है और कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के भरोसे रहती है। तो क्या अब नीतीश बदल सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, इस बात की चिंता बीजेपी को सता रही है। इसीलिए प्रशांत किशोर को आगे कर दिया गया है कि वो 75 मुसलमान उम्मीदवार उतारने की बात करके नीतीश को भी थोड़ा हैरान कर दें, सकते में ले आए, और वो जो जो जल्दी चुनाव कराने की जिद पर अड़े हुए हैं उस जिद से पीछे हट जाएं और चुनाव अगले साल 2025 में ही अपने नियत समय पर हो। या फिर बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश के नखरे बहुत उठा लिए, अब नीतीश का एक विकल्प क्या प्रशांत किशोर में ढूंढा जा रहा है, या प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करना है तो नीतीश को परे धकेल कर और बीजेपी के का अगर समीकरण इस रूप में बैठा, सीटें उस रूप में आती हैं, तो बीजेपी का साथ देकर आगे बढ़ने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक बड़ा नेता नहीं है और बीजेपी तो चाहेगी कि फिलहाल उनका अपने दम पर सत्ता पे आ जाए और प्रशांत किशोर जैसा उनको पुराना विश्वस्त साथी मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर बीजेपी की राजनीति को आसान करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ऐसा वहां पर मोटे तौर पर लोगों का कहना है। इसीलिए उनको उसमें कहीं ना कहीं सियासत की साजिश की बू आ रही है। हालांकि प्रशांत किशोर के एंगल से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान मोदी के खिलाफ वोट देते हैं, डर के कारण अपने डर से उबरना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान मोदी को जो हरा सकता है उसको वोट देते हैं, लेकिन जो जीतता है वो मुसलमानों के काम नहीं आता है, मुसलमानों का अपना कोई नेता नहीं है। तो प्रशांत किशोर ये एक नया विकल्प मुसलमानों के सामने रख रहे हैं, वो उनकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और दलित और मुसलमानों का कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी लोगों ने कम्बिनेशन बनाया है, अम्ब्रेला बनाया है, छतरी बनाई है, तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं बना सकते। अब इस बात को तेजस्वी यादव बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 अगस्त से वो जनता के बीच में जाएंगे, उन्होंने माई बाप एक नया समीकरण बनाया, नीतीश लव कुश समीकरण की बात करते रहे हैं, बीजेपी अपने वोट बैंक का विस्तार के लिए कंधे टटोलती रही है, अब उसको एक नया कंधा मिल गया है। मुसलमानों के सामने दिक्कत है कि एक तरफ लालू का गठबंधन, एक तरफ नीतीश, कहीं कहीं चिराग पासवान, कहीं कहीं ओवैसी, और अब प्रशांत किशोर। तो बीजेपी को लग रहा है प्रशांत किशोर चूंकि राजनीति के इस रूप में नए खिलाड़ी हैं तो कुछ जगह मुसलमान उन पर भरोसा कर सकता है, और 75 में से अगर 15-20 सीटें भी बीजेपी के खाते में चली गई इस तरह की सीटें, तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बीजेपी को इसमें क्या दुख है। कुछ लोग कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार घोषणा कर सकते हैं कि चुनाव समय पर होंगे या तय समय से पहले इसी साल करा लिए जाएंगे। रुपोली विधानसभा जो कि ईबीसी सीट, महापिछड़ा सीट मानी जाती है, वहां नीतीश की सीट है, नीतीश को ये उपचुनाव जीतना ही चाहिए। अगर वो चुनाव नहीं जीते तो इससे पता लगेगा कि ईबीसी का वोट बैंक उनका दरक रहा है। उनके सामने फिर राजनीति में प्रशांत किशोर ने जो झटका दिया है उसके बाद एक दूसरा झटका लग सकता है। कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जो 40 में से करीब 31 सीटें जीती हैं उनको अगर विधानसभा सीटों में परिवर्तित किया जाए तो वो 177 सीटें बैठती हैं। 243 में 177 यानी 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत। तो ऐसे में नीतीश को लग रहा है कि ये जो मोमेंटम गेन किया है इसको भुनाने की जरूरत है, और बीजेपी को लग रहा है कि अभी थोड़ा शांत रहा जाए, समय पर चुनाव कराए जाए ताकि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं उनकी हदबंदी की कोशिश की जाए। तो क्या प्रशांत किशोर का सहारा इसलिए लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार की हदबंदी करने में बीजेपी कामयाब हो, या कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति इस बहाने खेली जा रही है? ये बिहार की राजनीति में कुछ नए सवाल उठकर उभर कर सामने आ रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए।